वैश्विक महामारी कोरोना की आपदा में अवसर तलाशने वालों की भी कमी नहीं है। 1,299 रुपए एमआरपी का इंजेक्शन 18,000 रुपए में बेचने वाले निजी नर्सिंग होम में काम करने वाले दो कर्मियों को ड्रग विभाग की टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। दोनों कर्मचारियों ने एक युवक के मोबाइल पर 18,000 रुपए में इंजेक्शन देने के लिए सौदा तय किया था। युवक की शिकायत के बाद ड्रग विभाग की टीम ने दोनों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। जनपद में एक जरूरतमंद युवक ने किसी माध्यम से एक युवक को मोबाइल पर कॉल किया, उन्होंने रेमडेसिविर इंजेक्शन के जरूरत का हवाला दिया। दूसरी ओर कॉल पर मौजूद युवक ने इंजेक्शन 18,000 रुपए में एक वायल दिलाने की बात कही। कालाबाजारी करने वाले गोरखनाथ थाना क्षेत्र के धर्मशाला बाजार के पास मंगलवार की शाम 4 बजे जरूरतमंद युवक को इंजेक्शन देने के लिए बुलाया। इसी बीच युवक ने उसकी बात का ऑडियो रिकॉर्ड कर लिया और ड्रग विभाग में इसकी शिकायत कर दी। ड्रग विभाग की टीम ने इन शिकायत और ऑडियो को गंभीरता से लेते हुए तय समय सीमा पर ड्रग इंस्पेक्टर जयसिंह के नेतृत्व में धर्मशाला चौकी में सादी वर्दी में पुलिस वालों के साथ युवक को कॉल आने के बाद इंजेक्शन लेने के लिए भेजा। जैसे ही 2 वायल इंजेक्शन लेकर आए युवकों ने तय सौदे के मुताबिक एक इंजेक्शन देकर 18,000 रुपए लेने के लिए आगे बढ़े। टीम ने पुलिस के सहयोग से दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया, जिसके संबंध में ड्रग इंस्पेक्टर जयसिंह ने बताया कि दोनों युवक गर्ग हॉस्पिटल और पीसी नर्सिंग होम में काम करते हैं। एक की पहचान फार्मासिस्ट की पढ़ाई के साथ गर्ग हॉस्पिटल में काम करने वाले संजीत कुमार गुप्ता और दूसरे की पहचान पीसी मेडिकल में काम करने वाले दीपक चौरसिया के रूप में हुई है। ड्रग इंस्पेक्टर ने बताया कि उनके पास से एक भरी वायल और दूसरी खाली वायल मिली है। दोनों ने शिकायतकर्ता को 18,000 रुपए में इंजेक्शन देने की बात कही थी, उसकी एमआरपी 1,299 रुपए है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ड्रग इंस्पेक्टर जयसिंह ने बताया। फोन करेंगे 1,000 में बेच रहा है और एक दीपक चौरसिया है। ठीक है सर, देखते हैं। सब हॉस्पिटल में काम करते हैं, एक करता है गर्भ में और एक किसी और हॉस्पिटल में करता है। फिर बातचीत तो नहीं सर हमारे। मेरा नाम जय सिंह, मैं ड्रग इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ। हमको मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति है जो रेमडेसिविर इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है और वो एक इंजेक्शन के 18,000 रुपये मांग रहा है और उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी हमको उन्होंने फॉरवर्ड किया था। तो उसी के बेसिस पे हमने उनको बोला था कि आप उसे मतलब तय करके और जहाँ पर बुलाता है वहाँ पर आइए। तो उन्होंने कहा था कि हम धर्मशाला पर उसने बुलाया है और 4 बजे के करीब बुलाया है। तो हम लोग 4 बजे के करीब यहाँ आए पुलिस चौकी, तो यहाँ पे पुलिस सादे वर्दी में पुलिस लिए और उसके बाद जो हमारा पुलिस था उसने आने के बाद हमें सूचित किया कि आ गए हैं हम लोग। तो जैसे ही वो लोग मतलब इंजेक्शन उसको देने गए, तैसे ही हमने पुलिस के सहायता से पकड़ लिया। उसके बाद 2 वायल जिसकी कीमत 1,300 रुपये 1,299 रुपये प्रति वायल है और एक खाली वायल बराबर। अभी तो ये बोला कि मैं पहली बार ही ये काम करने जा रहा था, बट अभी इस तरह का पूछताछ चल रही है, पुलिस पूछताछ कर रही है। नहीं, स्वास्थ्य विभाग के नहीं, वो किसी हॉस्पिटल में काम करते हैं, सब सरकारी कर्मचारी हैं।
अभी प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। नहीं, वो एक उसमें फार्मेसी कर रहा है, बी फार्मा कर रहा है, वो हॉस्पिटल में जॉब भी कर रहा है।